यहाँ पे बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सतीश पूनिया ही है जो कुछ है जो। सतीश पूनिया जी प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो अपने क्षेत्र में नहीं आ पाए, बड़ी शिकायत। सतीश पूनिया को लेकर ये कहा जा रहा है कि मीणा इस बार सतीश पूनिया जी। पहले सर हम कांग्रेस के साथ थे लेकिन उनका कार्यकाल में 5 साल में आके जाते नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल जी ये चाह रहे हैं कि सतीश पूनिया जी को सपोर्ट नहीं करे मीणा, ऐसा कुछ है। जब भी हम आमेर का जिक्र करते हैं तो हमारे सामने हमारे जेहन में आमेर किले की वो तस्वीर उभर कर आती है, लेकिन उस तस्वीर के अलावा भी इस पूरे आमेर क्षेत्र की अपनी एक कहानी है, उन लोगों की कहानी है। अब जब चुनाव हो रहे हैं उन लोगों की कहानी जानने के लिए हम निकले हैं कि क्या कुछ माहौल है, किसके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, क्या यहाँ के मुद्दे हैं और लोग क्या सोचते हैं इस पूरे इलेक्शन को लेकर। हम दिल्ली हाईवे से निकल रहे थे और ये कौन सा गांव है भाई साहब? ग्राम डंड। डंड तो मतलब ठंड तो ठीक ठाक होगी यहाँ पर? हाँ बिल्कुल ठीक है, रामपुर मीणा। अच्छा, और क्या लगता है यहाँ का माहौल किस तरफ है? बीजेपी का ही है, सतीश डॉक्टर सतीश पूनिया के पक्ष में रहेगा 70% मान के चलो। तो मतलब क्या वजह है इसके पीछे की? इनके विकास कार्य की वजह से है। अच्छा, क्या क्या करवाएं इनके विकास कार्यों में? जैसे मान लीजिए जल मिशन योजना के तहत सबसे बड़ा काम तो यहाँ पानी की बारी समस्या थी, पूरे 2 साल तक पानी नहीं आया ग्राम पंचायत में। हम लोग गए सतीश जी भाई साहब के पास, सतीश जी भाई साहब को समस्या से अवगत कराया, भाई साहब अपने पानी की समस्या है गांव के अंदर, काफ़ी समय हो गया पानी का त्राहियाम मच रहा है, चारों तरफ महिलाएं वगैरह बच्चे रोड क्रॉस करते हैं, रोड का भी खतरा है, रोड क्रॉस करते हैं और इस पानी का तो कुछ ना कुछ करो। बोले टंकी बन रही है, शेर सिंह जी घबराओ मत, अपन तन मन धन से मैं भी पूरा सहयोग कर रहा हूँ, आगे से भी कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने एक्शन लिया, जैसे ही टंकी बन के तैयार हुई प्रथम चरण में 26 लाख रुपये उन्होंने दिए और पाइपलाइन बिछवाई। तो सबसे मोटी समस्या पर पानी की थी, तो उसको लेकर कुछ हुआ? अब बिल्कुल हुआ है, वो 26 लाख रुपए में पाइपलाइन जुड़ी, फिर लोगों को कनेक्शन दिए गए, फिर लोगों के घर में पानी आया, फिर जैसे जैसे क्रम आगे बढ़ता गया और भी पैसे आए, बुनकर मोहल्ले में भी आए और अपने वार्ड हैं यहाँ पे 9 वार्ड सभी वार्डों में चल रहा है और अभी भी प्रक्रिया धीन है। और स्कूलों के कमरे बने, 4 कमरे बने, पहले बन गए थे 2-2, अब बन रहे हैं और जो मरम्मत का कार्य है वो भी ऐसे कर करूँ के मोटा मोटी 31 लाख रुपए स्कूलों के पेटे आए हैं। ये पूरा जो इलाका है ठंड ग्राम पंचायत वाला जो आपने बताया, यहाँ का क्या है मतलब किस कास्ट के ज़्यादा यहाँ पर वोट हैं? यहाँ पे साहब मीणा जाति के 80% वोट हैं। अच्छा। और लगभग 30% SC है, बाकी जनरल ऐसे कर करूँ के तो ऑल आवर टोटल बीजेपी का 70% के करीब रहने वाला। लेकिन बीजेपी हो या फिर सतीश पूनिया को लेकर ये कहा जा रहा है कि मीणा इस बार सतीश पूनिया जी के साथ? यहाँ पे बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सतीश पूनिया ही है जो कुछ है जो। अच्छा। सतीश पूनिया के नाम पे वोट है, उनके विकास पे वोट है, उनकी सोच पे वोट है, 36 को हमको साथ लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास वाली। वो जो चर्चा चल रही है कि मीणा इस बार नहीं देंगे, फिर उसके पीछे की क्या वजह है? ये सब फालतू की अफवाह मानता हूँ मैं तो, इनको अर्नगल बातें हैं। भाई साहब जैसा व्यक्तित्व सबको साथ लेके चलने वाला, 36 कौमों को SC ST और मीणों का प्रधान बनाया, उन्होंने उप प्रधान बनाया डंड ग्राम पंचायत से और भारी बहुमत से उसको जिता के भेजा, फिर भाई साहब ने उसे उप प्रधान बनाया प्रदीप मीणा को, और ऐसा कोई वो नहीं है, फालतू भ्रांति फैलाने वाली बातें हैं। कुछ एक ये चर्चा रहती है कि सतीश पूनिया जी प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो अपने क्षेत्र में नहीं आ पाए, बड़ी शिकायत है लोगों। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आए हैं साहब। अच्छा, आपके बीच आए? बिल्कुल आए हैं। क्या मुद्दे थे, किन समस्याओं को लेकर भी काम करवा पाए वो? पानी की समस्या थी वो समाधान हो गया, रोड की जो समस्या थी ढाणियों को जोड़ने की वो पूरा काम हो गया और कुछ काम अभी चालू है। अच्छा, और क्या लगता है और कौन से काम है जो यहाँ पर होने चाहिए? स्कूल का था, स्कूल के लिए जो उन्होंने कमरे दिए वो पूरे हो गए, और कुछ कमरों की आवश्यकता स्कूल के लिए तो उन्होंने आश्वासन दे रखा है कि चुनाव के बाद में वो भी पूरे हो जाएंगे। तो कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उसको लेकर क्या सोचते हैं प्रशांत शर्मा? मैं कांग्रेस उम्मीदवार से अभी तक मिला नहीं कभी भी। वो भी आपके इलाके में नहीं आए? नहीं, मेरे इलाके में ना तो आए, ना मैंने कभी देखा, ना कभी मैं मिला। अच्छा, और भी लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब थोड़ा इधर आए, क्या नाम है आपका? आइए भाई साहब। विजय। पूरा नाम बताएं? विजय कुमार मीणा। तो यहाँ पर क्या माहौल लगता है, क्या जरूरी मुद्दे हैं, पहले हम उन मुद्दों को लेकर जानना चाहेंगे। मुद्दे तो सर जो पानी की समस्या थी इनके कार्यकाल में परिपूर्ण तरीके से हुआ है, और दूसरी बात है कि आगे जो चल रहा है इनकी प्रक्रिया बहुत अच्छी लगी है।
इसी कारण हम इन पूनिया जी के साथ हैं। अच्छा, पहले किसके साथ थे? पहले सर हम कांग्रेस के साथ थे, लेकिन उनका कार्यकाल में 5 साल में आके जागते ही नहीं है, तो हमने अपने मन के अंदर से जाग के देखा कि जो अपना व्यक्ति हारने के बाद भी, जो 5 साल में हारने के बाद भी हमारे बीच आता जाता रहा है, सवाल पूछते हैं, कुछ काम है जो कार्य करने में निश्चित उनको बताते हैं, तो वो फिर पूर्ण से हमारे साथ रहते हैं और इस कारण उनके साथ हम। तो मतलब पहले आप कांग्रेस के साथ थे और अब इनके साथ जुड़ने की वजह? वजह यही है सर, व्यक्तिगत वजह यही है कि वो सुनाई करते हैं हर बार में, और जब भी इनको कोई चीज़ के लिए पुकारा जाता है तो ये तत्पर रहते हैं। अच्छा, तो कौन से वो काम है जो लगता है कि आप लोगों के उन्होंने किए हैं? सर सबसे बड़ी समस्या थी पानी की थी हमारी, जो उन्होंने सॉर्ट आउट कर दी। अच्छा। तो और अभी 5-6 महीने पहले भी इसका कनेक्शन वगैरह कट गया था, तो उन्होंने हम उनसे जाके संपर्क किया, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी तो ये इनका काम करवाता हूँ, बाकी जो उनका कुछ PWD का कुछ मैटर चल रहा है तो वो मैं सॉर्ट आउट करवा दूँगा। तो आप कांग्रेस से जुड़े हुए रहे हैं, कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं प्रशांत शर्मा, उनको लेकर क्या सोचते हैं? बस सोच तो यही है, वो 5 साल में कहाँ चले जाते हैं, वोटों के टाइम क्यों आते हो? मैं तो उनसे यही तो पूछना चाहता हूँ ना कि 5 साल जब आपकी सत्ता थी, आप हार गई चलो ठीक है, लेकिन वो कहाँ चले गए थे उस वक्त? जब उनसे मिलान करने जाते हैं तो कोई रामा श्यामा नहीं है, और वो 5 साल में आके अगर आप हमारे से बात भी करते ना तो हम दिल तो खुश होता ना, कम से कम चलो अपना कैंडिडेट हार गया कोई नहीं है, लेकिन आज तक उन्होंने आके नहीं जगा। लेकिन पूनिया जी ने उससे पहले पिलानिया जी का और जो मीणा राजपा की तरफ पिलानिया पूनिया जी का और वो प्रशांत जी का, तीनों को कॉन्ट्रीब्यूशन था, लेकिन उस टाइम मीणा जी करोड़ीलाल जी के चक्कर में हम सारे एक तरफ हो गए थे, उस टाइम पिलानिया जीत गए, पिलानिया जी का वो मोरल रहा था, उन्होंने भी कुछ आगे संपर्क नहीं किया, लेकिन पूनिया जी ने उसी 5 साल में हमारे गांव में, हमारी बस्ती में हकीकत में देखा जाए तो बहुत प्यारा सहयोग दिया है और उन्होंने सुनी है हमारी आवाज़। अच्छा, नहीं तो पिछली बार आप कांग्रेस के साथ थे और इस बार BJP के साथ। अच्छा, आपका नाम बताएं, इधर आइए। अजय मीणा। अच्छा, आप क्या यहां पर लगता है मीणा किस तरफ जा रहे हैं यहां के? मीणा BJP की तरफ जा रहे हैं। वजह? BJP क्या, जैसे पूनिया जी यहाँ के लिए क्षेत्र के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो यही वजह है उनकी। ये किरोड़ी लाल जी यहाँ पर प्रचार करने आ रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं आ रहे वो। अच्छा, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल जी ये चाह रहे हैं कि सतीश पूनिया जी को सपोर्ट नहीं करें मीणा, ऐसा कुछ है यहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अफवाह फैला रहे हैं सर। तो आप युवा हैं, लग भी रहे हैं, क्या जरूरी मुद्दे हैं युवाओं के हिसाब से, क्या होना चाहिए? युवाओं के हिसाब से जैसे भाई साहब से हमने बात की थी तो लाइब्रेरी घोषणा कर गए वो, और काम भी शुरू होने वाला है। उन्होंने बोल दिया था कि हार जीत तो बात की बात होती है, लेकिन अगर हार भी जाते हैं, वैसे तो हारेंगे नहीं वो, ये हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। हारने नहीं देंगे। अच्छा। और फिर भी वो पूरी कोशिश के साथ बोल के गए कि लाइब्रेरी का निर्माण करवा देंगे। अच्छा। तो युवाओं को यही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं अभी। और वो आमेर विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं जिन्होंने इस पूरी विधानसभा क्षेत्र को लेकर अपनी राय रखी। BJP के सतीश पूनिया और कांग्रेस के जो प्रशांत शर्मा है, दोनों प्रत्याशियों को लेकर भी अपनी बातें रखी और क्या जरूरी काम यहां पर होने चाहिए, बीते 5 सालों में क्या काम हुए हैं, इन सब को लेकर भी पूरी मुखरता के साथ अपनी बातें रखी हैं। धन्यवाद।